तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? तो मैं टोयोटा में आया हुआ था बाइक के साथ। तो आप पिछले ब्लॉग में देखा होगा, हमने गाड़ी ली है टोयोटा अर्बन क्रूजर, तो भाई ने ली थी तो उनके साथ आया था मैं। तो आज मैं आपको इधर ही एक वीडियो मैंने शूट किया है, जो आज गाड़ी टोयोटा की नई आई है हेलक्स, तो उस पर मैं एक रिव्यू वीडियो बनाने लगा हूँ। तो मैं उसमें आपको बताऊंगा जो जो मेरे को पता है, मेन सब कुछ बताऊंगा, इसकी लुक वगैरह डिजाइन वगैरह सब कुछ दिखाऊंगा कि क्या क्या इसमें है और क्या नहीं। तो पहले चलते हैं इसके फ्रंट से बात करेंगे हम स्टार्ट से। पहले आप थोड़ा शॉर्ट्स देता हूँ, आप थोड़ा शॉर्ट्स एंजॉय कीजिए और उसके बाद हम इसकी पूरी रिव्यू वीडियो बनाएंगे और बात करेंगे। तो चलो गाइस, करते हैं इसकी अब थोड़ी सी रिव्यू वीडियो। और मैं सबसे पहले तो ये चीज़ देखो, कितनी ज़्यादा ब्रॉड बड़ा साइन लगा हुआ है इसका, टोयोटा का, मतलब काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पर दी है थोड़ी सी क्रोम फिनिशिंग, जो कि काफ़ी सही लग रही है गाड़ी के साथ, बीच में ब्लैक कलर के साथ इसकी ग्रिल, तो मतलब काफ़ी सही सी लुक बनाई हुई है इसकी। जो इसकी लाइट्स हैं, एक ट्रक की जो मतलब बाहर ट्रक होते हैं उनकी, उस तरह का इन्होंने दिया हो गया। इंडिया में भी अब ट्रक्स का थोड़ा ट्रेंड चलाने की कोशिश में है, लेकिन इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है, तो वो प्राइस बाद में बताऊँगा। सबसे पहले आप इसके देखिए जो लाइट्स दी, इसमें एक प्रोजेक्टर लाइट दिया और साथ में ये डीरल है, और यहाँ पर भी यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा, और एक ये डीरल यहाँ से आ रही है, ठीक है। तो इसका इंडिकेटर तो उसमें मेरे को दिखा नहीं। अब मैं ज़्यादा नॉलेज ली नहीं इनसे भाई से, जो जो था वो मैं देख लिया। और नीचे यहाँ पर एक फॉग लैंप है इसका, ये भी प्रोजेक्टर में है, वीडियो बना रहा हूँ, ये भी प्रोजेक्टर में है। तो यहाँ पर इन्होंने ब्लैक कलर का एक आपने लेनी है, तो इधर है इसका प्रोजेक्टर। और पूरी गाड़ी मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, इंजन के बारे में इसके बाद में बात करेंगे। तो ये है इसका टायर, और टायर साइज क्या है इसका, तो मैं ज़रा देख लूँ टायर साइज। तो ये है 265/60R18, 18 इंच का टायर है, और 60 इसकी प्रोफाइल है, और 265 ब्रेथ, काफ़ी बड़ा टायर साइज है, और काफ़ी ग्राउंड क्लियरेंस भी बहुत ज़्यादा है इसकी, तो देख सकते हो काफ़ी ऊंची है ये गाड़ी। मतलब बस इसका व्हील बेस ज़्यादा है और कुछ नहीं है। और ये गाड़ी मेरे ख्याल से फॉर्च्यूनर के प्लेटफॉर्म पे ही बेस्ड है, तो सब कुछ सेम ही है। तो अब इसके बाद इसकी बात करते हैं हम। साइड मिरर्स वगैरह देख सकते हो आप, इसमें क्रोम फिनिशिंग की दी हुई है, इंडिकेटर के साथ साइड मिरर्स है, और VM कहते हैं जिन्हें। और बाकी इतनी ज़्यादा बड़ी गाड़ी है कि बार बार पूरा घूम के जाना पड़ रहा है, और काफ़ी टाइम लग रहा है घूमने में यार, ट्रक है ये। तो इसमें एक प्लास्टिक के कवर सा लगता है, वो एसेसरी का पार्ट है, जो कि अभी तक इसमें लगाया नहीं है, जो लेगा वो लगवाना चाहे तो वो एसेसरी का पार्ट है, वैसे वो लगवाना ठीक रहेगा क्योंकि ऐसे तो अच्छा नहीं लग रही है बिना उसके। ये इसका बैक मिरर भी काफ़ी बड़ा दिया हुआ है, और ये आ गया इसकी बैजिंग हेलिक्स, और उसके बाद ये इसकी कुछ टेल लाइट है इस तरह की, यहाँ पर रिवर्स, और ये इंडिकेटर्स, और ये इसके आगे LED वाले ब्रेक लाइट्स। पार्किंग सेंसर इसमें दिए हुए हैं, 1, 2, 3, 4 पार्किंग सेंसर्स हैं। तो ये बैक में ये जो बम्पर है इसके, ये थोड़ा स्टील और क्रोम फिनिशिंग में है, काफ़ी हैवी है यार, मतलब काफ़ी हैवी गाड़ी बनाई है। और ये प्लास्टिक में, और इसका जो लोहा है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पर टोयोटा की बैजिंग आ गई है। ये इसकी एक लाइट यहाँ पर है, और ये खुलता बहुत, वो बहुत भारी है यार गाइस, बहुत भारी है कसम से, मेरे को लग रहा था इसका ये जो सिर्फ बूट है ना, ये ही कम से कम 50 kg के आसपास होगा, इतना ज़्यादा भारी है ये। रब्बा, इसको कर लेते हैं बंद क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भारी है भाई। तो उसके बाद साइड्स में और ज़्यादा कुछ इतना है नहीं है, डोर हैंडल्स क्रोम में दिए हुए हैं, और यहाँ पर क्रोम की बीडिंग भी है जो मिरर्स के साइड पर लगी होती है पूरी, जो काफ़ी अच्छी लग रही है, एनहांस कर रही है गाड़ी के लुक को। और अब इसके अंदर जाके बैठ के बात करते हैं इस गाड़ी के अंदर और क्या क्या है। मैं एक चीज़ बताना भूल गया, इसमें फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी हैं, ये यहाँ पर दिया हुआ है फ्रंट पार्किंग सेंसर, और एक इस साइड है, दो ही सेंसर दिए हैं, कैमरा वगैरह कोई नहीं है, 360 बैक कैमरा भी कोई नहीं दिखा है हमें, तो वो शायद से एक्सेसरी का पार्ट हो सकता है। तो बाकी चढ़ते हैं, यहाँ पर फुट रेस्ट देख सकते हो आप हमारा, जो अगर ये ना हो तो गाड़ी पे चढ़ना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसकी वजह से ऐसी भी गाड़ी बहुत ज़्यादा हाइट में है। तो चलो अब कहते हैं अंदर बैठ के आराम से हम इसकी बात, की वगैरह इसकी शायद से यहाँ पर नहीं है, तो मैं आपको कैसे दिखाऊँ। चलो पहले ऐसे करते हैं बस, ये कुछ स्टीयरिंग आ गया इसका, ऐसे फॉर्च्यूनर वगैरह का स्टीयरिंग है, सेम वैसा ही है,
तो यहाँ पर इसका ग्रैब हैंडल पकड़ के चढ़ने के लिए, और ये कुछ इस तरह का इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है। मैं यार ऑन करके दिखाता है यार गाइस, की लेता हूँ फिर मैं उसका ऑन करता हूँ। और यहाँ पर आ गया आपका कुछ टच स्क्रीन, तो उसके साथ नीचे आ गया अपने एसी वेंट्स, ऑटोमेटिक तो नहीं है वैसे, मैनुअली एडजस्ट करना पड़ता है। पैसेंजर एयर बैग है यहाँ पर इसके अंदर, माय गॉड इन्होंने लिख के दिया है। और एक ग्लव बॉक्स यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, मतलब काफ़ी अच्छी स्पेस है अंदर, आपको सामान रख लेंगे। थार में भी होती तो ज़्यादा अच्छा रहता है, इतनी स्पेस तो होनी चाहिए यार गाड़ी में। फिर उसके बाद ये तो कुछ लेदर टाइप है, लेकिन लेदर नहीं है, प्लास्टिक में है, ये सारा प्लास्टिक है। ऐसे लेदर जैसे लेदर होता है ना स्टिच किया था, उस तरह शो किया हुआ है। तो गाइस यहाँ पे लाडू आ गया था अपना, तो मैं थोड़ा भूल गया कहाँ पे थे हम, एयरबैग ग्लव बॉक्स वगैरह आपको मैंने दिखा दिया है। तो उसके बाद यहाँ पर आके आपके दो कप होल्डर्स, यहाँ पर आप कप होल्डर्स, और यहाँ पर आपके स्पेस है, ये वैसे चार्जर नहीं है इसमें, और वायरलेस चार्जर नहीं है। और यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का चार्जर यहाँ पर मिलता है, और ये यूएसबी का सॉकेट और ऑक्स भी यहीं पर। फिर उसके बाद ये डिल हिसन कंट्रोल यहाँ पर दिया हुआ है, ट्रैक्शन कंट्रोल, और ये किस चीज़ का है, क्या बोलते हैं इसको यार गाइस, मेरे को याद नहीं आ रहा सॉरी। तो ये आ गया अपना एक और चार्जिंग 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट्स, और माय गॉड ये सही चीज़ है, फॉर्चुनर यहाँ पे दिया है इन्होंने 4x4 का सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पर 4H2H4 और पुश करके 4 लो, ठीक है, यानी मतलब इसको सिर्फ ऐसे करो अपने आप 4x4 में हो जाएगी। और ये ऑटोमेटिक वेरियंट है, तो देख सकते हो आप इसमें इको मोड, PWR भी कोई मोड होगा गाइज, मेरे को, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, मैंने इतनी नॉलेज ली नहीं है इसकी, तो जो भी मेरे को सामने दिखता है, जो मेरे को पता है, मैं आपको वो बता रहा हूँ। तो ये है इसका गियर लीवर, उसके बाद हैंड ब्रेक आ गया, यहाँ पे आर्म रेस्ट काफी बड़ी ब्रॉड सी आर्म रेस्ट है, बीच में स्पेस भी है, और यहाँ पे 100 वाट का चार्जर सॉकेट, यहाँ पर आपको एक सॉकेट भी मिलता है अंदर। उसके बाद ऑटोमेटिक मिरर एडजस्टेबल, पीछे वाली लाइट जो भी आती है वो एडजस्ट करने के लिए, यहाँ पर आपके सनग्लासेस होल्डर, और यहाँ की इसकी लाइट्स, और डोर, ये सिर्फ डोर ऑफ, ये ऑफ और डोर पे खुलेगी बस। अच्छा सॉरी, ये ऐसे भी है, पुश भी है, मुझे नहीं पता था, पहले ही बैठा हूँ यार गाइस। और यहाँ पर आ गया मिरर कह रहा हूँ, यहाँ पर सनशाइन, यहाँ पर लेकिन कुछ भी नहीं दिया, कोई मिरर नहीं है, इस साइड मिरर दिया हुआ है लाइट के साथ वाला, या बिना लाइट के। यार जो इसका प्राइस है मैं आपको बताऊंगा ना, तो आप सुन के देखना, इसमें तो फीचर नहीं है लेकिन। तो ये लाइट इसकी यहाँ पर एक सेंटर में, यहाँ पर भी ग्रैब हैंडल्स दिए हुए हैं, इस साइड भी है ड्राइवर साइड, और दूसरी को ड्राइवर साइड भी है। और स्पीकर इसमें मैं आपको बता दूं, यहाँ पर दिए हुए हैं स्पीकर, शायद इसमें भी वही सिस्टम होगा जो फॉर्चूनर वगैरह में है, वो यहाँ पर एक डोर में स्पीकर, और वहाँ पर ट्यूटर दिया हुआ है, और इस तरह का इसका डोर है। तो लाइट काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है यार, क्या चक्कर हो रहा है। तो ये इसका डोर है, डोर आप देख सकते हो, ये लेदर वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ ये लेदर है, इतना सा, सिर्फ ये चीज़ लेदर में है, बाकी सब कुछ ये प्लास्टिक का ही है। और यहाँ पर एक वाइट कलर की अलग से इन्होंने दी हुई है, और स्विचेस इसके वहाँ पर हैं, ये भी ऑटोमेटिक है, फ्रंट मिरर इस साइड को ड्राइवर साइड वाला ऑटोमेटिक अप एंड डाउन होगा, जैसे ए तो लिखा हुआ ऑटोमेटिक। और मैं इधर दिखाता हूँ मैं आपको, और पुश स्टार्ट यहाँ पर आ गया इसका पुश स्टार्ट, ये अपना क्रूज कंट्रोल के लिए, और ये लीवर, ये क्रूज कंट्रोल, माय गॉड। और उसके बाद आ गए यहाँ पर हमारे कंट्रोल्स विंडो में, चारों विंडो के कंट्रोल, लॉक अनलॉक के, मिरर्स लॉक करने के लिए, और वीएम के कंट्रोल, और ये फोल्ड के लिए, ये फोल्ड नहीं हो रहा, इसकी की नहीं है, अपने की मंगाऊंगा ना फिर। दिस व्हीकल हैज डीजल रेटिकुलेट फिल्टर सिस्टम, ओके। और इसका कुछ डोर इस तरह से, मैं बोलता हूँ ये स्पीकर है ना, और ये बॉटल होल्डर, और कुछ स्पेस है यहाँ पर सामान वगैरह रखने के लिए। और यहाँ पर आ गया इसके कुछ फीचर्स, ये आ गया इसका पार्किंग सिस्टम, ये हाँ समझ गया मैं, गाड़ी पार्क करते सेंसर्स की साउंड को ऑफ करना है ऑन, ये कुछ सिस्टम है इसमें, कुछ ही फिल्टर सिस्टम है कोई, ये वो खुद ही करती है, अब इतना नॉलेज नहीं है। फ्यूल टैंक खोलने के लिए, और ये बूट खोलने के लिए ऑटोमेटिक है, दो ही आपको पैडल्स मिलेंगे, ब्रेक और रेस का। और यहाँ पर हाँ रेड पैडल भी है यहाँ पर आपके पाँव रखने के लिए, जब आप लॉन्ग ड्राइव में जा रहे हो तो रेस्ट करने के लिए यहाँ रेड पैडल, मतलब ड्यू टोल डैशबोर्ड है इसका, देख सकते हो आप, ब्लैक और थोड़ा सा क्रोम भी है बीच में, और एक और कलर है बीच में,
जो काफी अच्छा लग रहा है यार इसका डैशबोर्ड ना, मतलब इतना ज्यादा मिरर से इतनी ज्यादा चौड़ाई में नहीं है, लेकिन ये लंबा काफी है, स्पेस काफी है, बहुत खुली गाड़ी है ये, लेकिन महंगी बहुत है यार। मैं आपको रेट बाद में बताता हूँ, इसके पीछे चलते हैं। और ये इसका पीछे वाला डोर आप देख सकते हो, इसमें भी ऑटोमेटिक ये लिखा हुआ है। हाँ, ये ऑटोमेटिक अप एंड डाउन चैन से, ऑटोमेटिक अप एंड डाउन है सारे मिरर्स। और लेदर रैप में सिर्फ यही है, बाकी और कुछ नहीं है लेदर रैप में। ये भी प्लास्टिक है, स्टिचिंग दी हुई सर लेदर रैप में, सिर्फ यही है। एक स्पीकर यहाँ पर भी आपको बॉटल होल्डर बैक में भी मिलेगी, तो अंदर चढ़ने के लिए चलते हैं। यहाँ इसका प्लेट्स लगवाते हैं जैसे बाहर से हम आफ्टर मार्केट, वो चीज़ इन्होंने पहले यहाँ पर दी हुई है कि ये चीज़ ख़राब ना हो उतरते चढ़ते। और ये इसका ग्रैब हैंडल देख लो कितना बड़ा है, मतलब कुछ चीज़ें सही भी हैं इसमें और कुछ चीज़ें इसमें जो है ही नहीं है। तो अब दे पीछे से कुछ ऐसे है, लेग स्पेस स्पीड तो काफ़ी नीचे डाउन हुई है, तो मैं चेक किया नहीं, लेग स्पेस ज़्यादा नहीं लग रहा इतनी ज़्यादा है नहीं। तो आपको पीछे एसी वेंट्स भी मिल जाएंगे, कंट्रोलर कुछ नहीं है, सिर्फ ऑफ ऑन कर सकते हो आप एसी को। चार्जर का कोई सॉकेट नहीं है इसके बीच में, तो पीछे से सीधा सीधा बैठता है बंदा यार, देखो सीधा सीधा, मतलब यार डिक्लाइन नहीं हो सकती, इंक्लाइन नहीं हो सकती, ऐसे रहेगा। पीछे वाली सीट्स मेरे को लग रहा है ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, और काफ़ी कम स्पेस, काफ़ी ज़्यादा कम है जो कि मेरे हिसाब से है, क्योंकि ये देखो ना कंफर्टेबल नहीं है, बंदा सीधा है बिल्कुल, थोड़ा सा ऐसे होना चाहिए था ना पीछे डाउन को तो ज़्यादा अच्छा होता। पीछे वाली सीट्स का इतना नहीं है, इतना कंफर्ट नहीं है। और यहाँ पर अपने आर्म रेस्ट के साथ दो बॉटल होल्डर्स भी हैं, सीट बेल्ट्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। और नीचे से और क्या है, कुछ भी नहीं ज़्यादा। और इसमें भी मतलब फीचर इतने फीचर नहीं है, ये ऑफ रोडिंग व्हीकल है, कहीं पहाड़ों वगैरह में जाना हो वहाँ पर जाने के लिए गाड़ी ठीक है, बेस्ट है। लुक की लुक हो जाएगी, ट्रक का ट्रक बन जाएगा जो भी होगा। और पीछे वाले मिरर्स में आपको दिखाता हूँ, ऐसा कुछ व्यू है इसका, ये पीछे वाले मिरर्स है। यहाँ पर कुछ टांगने वगैरह के लिए दिया हुआ आपको स्पेस, एक है टॉप लेदर नहीं टॉप ठित्तर, क्या चीज है यार, इधर कुछ है। यहाँ पर सीट बेल्ट का भी ऑप्शन, ये क्या है, ये कुछ अटकाने के लिए ना कुछ दिया हुआ है, ये देख सकते हो आप, कुछ होगा इसके एक्सेसरी में भी, काफी ज्यादा होगी चीजें जो कि मेरे को पता नहीं है। मैं तो पीछे बैठ के आपको दिखा रहा हूँ जो जो है, जो जो मेरे सामने दिख रहा है मैं आपको वो सब बता रहा हूँ। और इसका इंजन 2.8 ये है, डीजल इंजन है ठीक है, ये 2.8 लीटर का है। और टॉर्क इसकी बताई थी भाई ने, पता नहीं कितनी जनरेट करता है, अब यार वो मैंने पूछा नहीं, इतना वगैरह देखना पड़ेगा, उनको खुद नहीं पता इस गाड़ी के बारे में भी इतना, जितना उन्हें पता था उन्होंने बता दिया। और बाकी मेरे हिसाब से ठीक है गाड़ी, लेकिन पीछे से और मैं पीछे वाली सीट्स इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। और मैं आपको इसका रेट बताऊँ, सीरियसली गाइस यार बहुत ही ज़्यादा महंगी है, बहुत ज़्यादा महंगी है, जो जिस हिसाब से इसके फीचर नहीं है कुछ नहीं है ना इतना, उस हिसाब से बहुत ज़्यादा महंगी है। 42 लाख बोला है भाई ने मेरे को ऑन रोड, आपको ऑन रोड की एक्चुअल प्राइस ये मेरे को नहीं पता, लेकिन 42 लाख की ये गाड़ी है। और 42 लाख वाला इसमें इतना कुछ है नहीं है यार, मेरे हिसाब से ना फीचर्स देने चाहिए थे, यहाँ से रेट कम होना चाहिए। अगर इसका प्राइस कम होता ना तो मैं गाइस आपको शर्त के साथ कह सकता हूँ ये गाड़ी बहुत बिकनी थी, बहुत चलनी थी इंडिया में, और ट्रक का ट्रेंड चल पड़ना था एक हिसाब से ना, ट्रेंड कहते हैं ना जैसे, वो ट्रेंड चल पड़ना था, लेकिन है ही नहीं है इसमें वो, मतलब रेट इतना ज्यादा है कौन लेगा इसको, इससे अच्छा बंदा फॉर्च्यूनर ले ले, 7 सीटर से हो जाएगी, ऊपर से सब कुछ होगा उसमें, कितने ज्यादा फीचर्स भी हैं। लेजेंडर चलो महंगी है, वो 50+ से है, लेकिन फॉर्च्यूनर के फॉर्च्यूनर इसका प्राइस सेम है। चलो जब जैसा कंपनी चाहे, टोयोटा ब्रांड है ना इसलिए वो उस ब्रांड की वजह से काफी ज्यादा बिकता है। तो यही था कुछ इस गाड़ी में जो मैंने आपको बताना था और बता दिया, पता नहीं वीडियो शॉर्ट बनी है या लॉन्ग बनी है, जो जो मेरे को दिखा वो मैंने बता दिया आपको, जैसे ये अंदर से कुछ इस तरह से है। अब देखता हूँ अगर की देंगे तो मैं करके देखूंगा ऑन, नहीं देंगे तो बात। तो की मैंने लिया है, तो की मुझे मिल चुकी है, तो देख सकते हो ये इसकी की है, काफी ज्यादा बड़ी की है। इसमें दो ही ऑप्शन है आपको, लॉक अनलॉक, और ज्यादा कुछ नहीं है। तो अभी मैं ऑन करता हूँ, आपको दिखाता हूँ और भी है इसका, ठीक है। प्रेस ब्रेक एंड देन स्टार्ट द इंजन, तो मुझे इंजन स्टार्ट नहीं करना है, तो यहाँ पर देख लो एंटर होते हेलिक्स आ गया और ये इसका ऑन हो गया। उसको शायद से एक और प्रेस करूंगा, इसका सब कुछ ऑन हो जाएगा, और ये देख सकते हो ये इसका और भी सिस्टम, ये है ऐसा कुछ दिखता है, ये ऑन हो चुका है, एसी भी इसका ऑन हो गया,
अब इसमें ये क्या फीचर्स हैं, नॉट कनेक्टेड वगैरह, ये सब टच भी है, इसमें बटन्स भी हैं, एयरबैग का भी ऑन हो गया यहाँ पे। तो यही था, मैंने आपको ऑन करके दिखा दिया कैसे ये ऑन होके कैसे दिखती है। तो इसकी अब लाइट्स वगैरह चेक करते हैं बाहर से, जो इसका प्रोजेक्टर वगैरह है। तो ये इसकी लाइट है कुछ इस तरह से, वाइट ही है सारी, फॉग लैंप भी वाइट ही है इसका पूरा। तो लाइट वगैरह दिखा दिया आपको मैंने, सिर्फ डीआरएल इधर ही है इसके अंदर, डीआरएल ये डीआरएल और ये लाइट है, और यहाँ पर इसका शायद से इंडिकेटर होगा। चलो यही था, मैंने लाइट्स वगैरह आपको बता दिया। तो गाइस बता दिया मैंने आपको जो जो था इस गाड़ी के बारे में सब कुछ। ज़्यादा ऊंची गाड़ी है, मेरे यहाँ पर हाथ देखना इतनी इतनी गाड़ी है, इतनी ऊँची है मतलब पीछे ज़मीन में इसका क्लियरेंस, ये देखो ये मतलब पीछे वाले साइड से क्लियरेंस बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। ये थोड़ा डिफरेंशियल बीच में आता है, इसकी वजह से थोड़ा, ये डिफरेंशियल की वजह से थोड़ा कहीं रुक सकती है, लेकिन इसके जो सस्पेंशन देख रहे हो आप, इसके नीचे घुस के वीडियो बना सकता हूँ मैं। ये देखो मतलब ये सस्पेंशन देखो कितनी हाइट पे है यार, कितनी ज़्यादा हाइट पे, और ये कमानी सिस्टम भी है इसमें और सस्पेंशन भी है, और काफ़ी ज़्यादा हाइट है यार इस गाड़ी की, मतलब हाँ क्लियरेंस बहुत ज़्यादा क्लियरेंस है। ये बनाई है स्पेशली ऑफ रोड के लिए। तो दिखा दिए मैंने आपको सब कुछ जो मेरे को पता था। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसे कोई कोई और गाड़ी आते रहेंगे, जब हमें टाइम लगा करेगा तो हम आपके लिए लाएंगे, गाड़ियों के बारे में बताते रहेंगे। तो कर देंगे इस ब्लॉग का हम यहीं पर एंड, मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में किसी धमाकेदार वीडियो के साथ। गाड़ी अच्छी है बट प्राइस रेट बहुत ज़्यादा। तो ओके बाय बाय, लव यू, टेक केयर, मिलेंगे अब आपको किसी और ब्लॉग में धमाकेदार वीडियो के साथ। ओके।